हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू चैन पढ़ाई विद आर के चटुपटे छप्पर फाड़ के। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा को हम लोग कॉलोनी भी बोल सकते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए यानी टॉयलेट्स, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण और अच्छी मूर्ति बनाने के लिए पैसे जो लगते हैं वो उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण बहुत समय बातचीत और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बाद में बोर्ड के द्वारा दी गई टाइम खत्म होने के दिनों में यह काम किसी स्थानीय कलाकार को सौंप दिया गया होगा, और अंत में यह काम उस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंप दिया जाता है, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी यानी कि मार्बल की। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। सब कुछ ठीक था और प्रयास भी अच्छा था, केवल एक चीज खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और रियल चश्मा था, काला चौड़ा फ्रेम वाला। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। उन्होंने देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वो खुश हो जाते हैं, वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। हालदार साहब की जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी और हालदार साहब इसी मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। हालदार साहब सोचते हैं कि यहाँ पर महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, कद यानी हाइट का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, पहले मोटा फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, वह और ज्यादा क्यूरियस हो गए। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब वह और क्यूरियस हो गए और उनका कौतुक बढ़ गया तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोद थरकी, तोद यानी पेट, गोल पेट। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई,
एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, बल्कि उसको दुख होता है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की आवश्यकता होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम नेताजी को क्षमा मांगकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं था। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोद थिरकी। उसने अपने मुंह में कप पान थूका और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए यह दुख भरी और हैरान करने वाली बात थी। हालदार साहब का अंदाजा बिल्कुल सही था। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। फिर हालदार साहब ने सोचा, बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में कांच वाला चश्मा कैसे लगाया जाए यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश भी की होगी और असफल रहा होगा, या बनाने के चक्कर में और अच्छे से बनाने के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुका कर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से डेढ़ इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वह चौंक गए। एक बेहद बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका असली नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 सालों तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। हालदार साहब को रोज मूर्ति पर अलग अलग चश्मे देखने में बहुत अच्छा लगता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुका कर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले यह ख्याल आया कि चौराहे पर नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। हालदार साहब ने सोचा, आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे।
ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर मत रुकना, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर चौराहा आते ही नजरें मूर्ति की तरफ चली गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई।